पुराणों में कथा आती है, जब मार्कंडेय जी 5 वर्ष के थे तब एक दिन वे अपने पिता मार्कंडेय जी की गोद में बैठकर खेल रहे थे। उसी समय एक महाज्ञानी सिद्ध महात्मा वहां आए। उन्होंने बालक के लक्षणों को देखकर महर्षि मार्कंडेय से कहा, मुने, यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, यह देवी गुणों से संपन्न है, किंतु इस बालक का एक लक्षण इसके अल्प आयु की सूचना देता है, अतः इसके लिए हितकर उपाय की व्यवस्था कीजिए। महामाओं की बात झूठी नहीं होती है, यह सोचकर मार्कंडेय जी सोच में पड़ गए। उन्होंने समय से पूर्व ही बालक का उपनयन संस्कार कर दिया और धर्म धर्म कर्तव्य का उपदेश देते हुए कहा, बेटा, तुम जिस किसी ब्राह्मण या महात्मा को देखना, उसे विनयपूर्वक प्रणाम अवश्य करना। बालक मार्कंडेय ने पिता की आज्ञा सहर्ष स्वीकार कर ली। जो भी श्रेष्ठ जन, महात्मा, विद्वान उन्हें दिखाई देते, मार्कंडेय जी उन्हें बड़े ही व्यक्ति भाव से विनयपूर्वक प्रणाम करते। इस प्रकार उनकी आयु के जब केवल 3 दिन शेष रह गए, सप्त ऋषिगण उधर आ निकले। सप्त ऋषियों का दर्शन कर मार्कंडेय जी को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बड़े ही विनीत भाव से अलग अलग सभी महर्षियों को प्रणाम किया और सबने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। महर्षि वशिष्ठ जी ने उस बालक की ओर ध्यान से देखा तो वे सप्त ऋषियों से कहने लगे, अरे ये महान आश्चर्य है, हम लोगों ने इस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया है, इसकी आयु तो अब केवल 3 दिन ही शेष रही है, अतः हम अपने परस्पर विचार करके ऐसा उपाय करना चाहिए जिसका हमारा आशीर्वाद व्यर्थ न जाए। सप्त ऋषियों ने परस्पर विचार किया कि इस बालक को ब्रह्मा जी ही चिरंजीवी बना सकते हैं। ऐसा निर्णय करके वे लोग उस बालक को ब्रह्मलोक ले गए। सप्त ऋषियों के साथ उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। सप्त ऋषियों ने कहा, भगवान, हम लोगों ने इस बालक को इसके श्रद्धापूर्वक अभिवादन से प्रसन्न होकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया, जबकि इसकी आयु मात्र 3 दिन ही शेष है। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, इस बालक ने अपने विनय और अभिवादन के बल पर काल को जीत लिया है, यह बालक अब अजर और अमर है। जय जय श्री राधे।